हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। वैज्ञानिक नाम क्या होता है बता दूं? यही बताता हूं। देखिए, वैज्ञानिक का नाम मतलब होता है जैसे हम और हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो कहीं पे कुत्ता को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ये कुत्ता है, बोलेंगे ना, ये कुत्ता है। लेकिन अगर आप विदेश जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, भारत से हटेंगे तो क्या वो लोग कुत्ता बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इन सब का एक साइंटिफिक नेम होता है, एक वैज्ञानिक नाम होता है। यदि आप उस नाम को इंडिया में लेंगे, पूरे विश्व के किसी भी कोने में जाके लेंगे तो लोग वही समझेंगे, पढ़े लिखे लोग वही समझेंगे कि अच्छा, इसका मतलब ये होता है, जो भौं-भौं करता है, ठीक है, ऐसा होता है वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम क्यों आया? क्योंकि भैया किसी भी चीज़ को इंडिया में कुछ और बोला जा रहा था, अमेरिका में कुछ और बोला जा रहा था, रूस में कुछ और बोला जा रहा था, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ और अलग अलग नाम लिए जा रहे थे। इस वजह से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक साइंटिफिक नेम बना दिया। तुम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज दैट, समझिए आपका घर का नाम क्या होगा बताइए? टोनी, मोनी, कोनी, कोनी, क्या होगा? कुछ होगा ना घर का नाम। एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। मतलब घर का नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, घर का नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, और जो स्कूल का नाम है ना, मतलब कि साइंटिफिक नेम, वो सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक नेम यानी कि कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। मैंने आपको 11th का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, जीव जगत के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो वहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि है ना कुछ वैज्ञानिक नाम होते कैसे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको याद कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, ये वैज्ञानिक नाम आपको भी ज़िंदगी भर याद होने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि पूरा साथ देना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यदि लास्ट तक समझ में नहीं आता है ना तो अनसब्सक्राइब कर देना, फ़र्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइबर्स काउंट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। बताइए बताइए, अच्छा कितने लड़कों ने द जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड वाला वीडियो देखा है? जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करिए। मैं जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बताइए, बताइए जीव जगत वाला वीडियो कितने लोगों ने देखा है। इसके बाद सजीवों के क्या लक्षण होते हैं उसको बताइए आप लोग, किस कोई दो सजीवों के लक्षण बताइए कि हम ये दो लक्षण अगर बता देंगे तो पक्का ये सजीव है। बताइए कोई दो लक्षण मुझको बताइए सजीवों के, बताइए जल्दी बताइए, बोलिए ना। और ये बताइए द्विपद्धति नामकरण किसने किया था, ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन, तीन कमेंट आने चाहिए, चौथा कमेंट आना चाहिए गुड मॉर्निंग का, और पांचवा कमेंट आना चाहिए सर जल्दी पढ़ाइए, बकवास मत करिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कुछ हमारे आसपास जो जीव होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जो ह्यूमंस के, हम लोगों के बहुत क्लोज होते हैं, उनके हमको वैज्ञानिक नाम याद करना है। और जो हमारे क्लोज होगा वही एग्जाम में भी क्लोज होगा, होगा ना, बताइए ना, होता है ना, जो हमारे क्लोज होता है वो एग्जाम में क्लोज होता है। तो सबसे पहला वर्ड आता है किसका? मनुष्य का। किसका? मनुष्य का। सबसे पहला वर्ड आया मनुष्य। भैया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य, जहाँ पे मानव आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका नाम होता है होमो सेपियंस सेपियंस। ये नाम बिल्कुल अलग है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो याद करिए मेरे साथ, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो। होमो का मतलब देखिए बताइए, मनुष्य जो होता है, ट्रिक से याद करिए, ठीक है, मनुष्य होता है कहाँ रहता है? घर में रहता है। घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होम, होमो, होम, ठीक है ना, मनुष्य, होमो, होम, होमो, ये वर्ड याद आ गया, आगे वाला अपने आप आ जाएगा। होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है ना, बताइए मनुष्य का होमो सेपियंस सेपियंस। आगे चले, ये याद हुआ, मैंने आपको समझ लिया, ये याद हो गया। अरे बोल रही, इतना ज़्यादा याद हो गया क्या? सच बताओ, अभी तो नेक्स्ट है। नेक्स्ट है मेढक। मेढक, मेढक कैसे बोलता है? टर टर। कैसे बोलता है मेढक? टर टर। अब मेढक बताइए एक, ये देखिए राना, टिगरीना, टिगरीना मतलब टर टर। मेढक कैसे बोलता है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता? राना टिगरीना। मेढक कैसे बोलता है बताओ ना, बताओ, नहीं पता क्या तुम लोगों को? बताइए मेढक किस प्रकार बोलता है जी? बोलते का है नहीं, मेढक बोलता है टर टर। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिगरीना, ठीक है। अब देखते बिल्ली बिल्ली, अब बताइए बिल्ली को आप लोग घर में क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड लेते हैं बिल्ली के लिए? आप लोग तो बिल्ली बोलते नहीं, कैट तो बोलते नहीं, नहीं बोलते, झूठ मत बोलिएगा, मैं सब जानता हूँ, झूठ मत बोलिएगा। बताइए बिल्ली को आप कौन से नाम से बुलाते हैं? जल्दी नीचे कमेंट करिए, मैं पढ़ूंगा, ठीक है।
देखिए बिल्ली होता है फेलिस डोमेस्टिका। अब फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका का मतलब क्या है? तो डोमेस्टिक एनिमल आप लोगों ने पढ़ा है ना, है ना, डोमेस्टिक पालतू जानवर। तो ये फेलिस डोमेस्टिका है, मतलब कि फैलने वाली डोमेस्टिका है, है ना, इधर उधर हर जगह फैल जाती है। फैलने का मतलब इसके घर उसके घर सबके घर में फैलती है ना। तो क्या होगा इसका नाम, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होगा फेलिस डोमेस्टिका। बताइए मेरे साथ बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, फेलिस डोमेस्टिका। बताइए याद हुए ना, तीन वैज्ञानिक नाम याद हुए कि नहीं, बताइए। टेंशन नहीं लेने को पढ़ाई में, देखो पढ़ाई कुछ भी हो लेकिन टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बायोअमन से आप पढ़ रहे हैं तो टेंशन तो लेना ही नहीं, सब समझ आएगा, सब समझ आए। अगर समझ आता है तो ही फर्क पड़ता है, और नहीं समझ आता तो ही क्या फर्क पड़ता है, क्या चला जाता है अपना, बताइए ना क्या चला जाता है। और पहली बात मैं यहाँ पे इतना बेहतर तरीके से समझाऊँ, पूरा समझ आने वाला है, ठीक है। तो ये है तीसरा नंबर आएगा कुत्ता। कुत्ता को आप लोग घर में क्या बोलते हैं बताइए, कुत्ता जो होता है कुत्ता को बोलते हैं कैनिस, काफार कुत्ता, काफार कैनिस कुत्ता, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कुत्ता की कई फैमिली होती है, फैमिली का मतलब कुत्ते के कई बच्चे होते हैं, 7 बच्चे 8 बच्चे 9 बच्चे 10 बच्चे होते हैं ना, बताइए होते होंगे यार, कुत्ता के अच्छे कितने बच्चे होते हैं बताइए, है ना। तो कुत्ता काफार कैनिस फैमिलियारिस, मतलब कुत्ते की फैमिली, ठीक है। तो क्या हुआ, कुत्ता मतलब कैनिस फैमिलियारिस, बताइए हो गया ना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, काफार कुत्ता काफार कैनिस, कुत्ते की बड़ी फैमिली मतलब कैनिस फैमिलियारिस। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कैनिस फैमिलियारिस। आगे चले, आगे हाथी आया, हाथी भैया जो है ना, हाथी जो बड़ा होता है मोटा होता है, जानते हो ना, नहीं जानते तुम लोग, कुछ नहीं जानते, बेवड़े हो, ठीक है, देखो सॉरी, है ना, अरे ठीक है, तुम लोगों के साथ ऐसे ही मजाक करते हैं, ठीक है। हाथी क्या होता है, हाथी, हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिफेंट, क्या बोलते हैं, एलिफेंट। तो एलिफेंट से वर्ड आया एलेफस, एलेफस, ठीक है। हाथी इंडिया के रास्तों में कैसे चलता है, घम 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 घम, है ना। हाथी किसरा कहाँ पे चलता है, इंडिया में चलता है, इंडिया में कहाँ पे चलता है, इंडिया के रास्तों में चलता है। तो एलेफस इंडिकस, क्योंकि हाथी एलिफेंट इंडिया में चलता है, बताइए हाथी कहाँ चलता है, इंडिया में। तो क्या होगा, एलेफस इंडिकस। आगे चले, चूहा, चूहा होता है रैट, रैट माने चूहा, रैट मीन्स चूहा, होता है कि नहीं बताइए, रैट मीन्स चूहा होता है। तो चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, रैटस, रैटस, क्या होगा, रैटस, रैटस, बिल्कुल सिंपल। देखिए देखिए, देखो ना, देख लिए, देखो। अब हम यहाँ पे आपको बता दें, हमारा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। आप लोग उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बायो अमन 123, ठीक है। और इस चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो आप लोग जाइए। यहाँ पे हमारे साथ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच साइको प्रवेश काम कर रहे हैं। यदि आपको कैरियर से रिलेटेड कोई भी टिप्स है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट है, फ्रस्ट्रेट है, घर से परेशान है, ठीक है, गर्लफ्रेंड तंग करके रख दी है, तो आप जाइए इस चैनल पर, कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे, बताइए। उसके बाद डायरेक्टर सर यानी कि डायरेक्टर प्रवेश कुमार आपको रिप्लाई करेंगे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर कोच आपको कुछ बताएगा तो आपको क्या ही बताता है, कितना उसके पास नॉलेज होगा, ठीक है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, और किसी भी प्रकार से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, कि परेशान हो गए अब मैं क्या करूँगा, ये कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं साथ में, ठीक है, बायो अमन की पूरी टीम आपके साथ है। आगे चलें, आगे है गाय का वैज्ञानिक नाम, गाय, गैया मेरी गैया, है ना, गाना है ना। नहीं, मेरी एक बहन है, वो गाना सुनते बोले गैया मेरी गैया, मैं ही गाया करता हूँ जब बाथरूम में जाता हूँ नहाने, गैया मेरी गैया। तो देखिए जो गाय है ना, गाय, गाय मतलब बिग, पहले जब गाय ना थी ना, गाय की बहुत पूजा होती थी, तो गाय क्या थी, गाय बॉस थी, क्या थी, गाय की पूजा होती थी, है ना, अभी भी होती है हिंदू धर्म में, गाय को माता माना जाता है, ठीक है। तो गाय की पूजा होती थी, तो गाय क्या है, गाय बॉस है, गाय क्या है, गाय बॉस है। फिर कहाँ पे पूजा होती है, इंडिया में, तो क्या होगा, बॉस इंडिकस, याद करिए गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। इसके बाद भैंस, क्या होगा, भैंस, भैंस, है ना, दूध देती है, काली काली होती है, बताओ, अच्छा भैंस काली होती है, हरा चारा खाती है, सफ़ेद दूध देती है, ये कैसे है बताओ, कुछ लोग तुमको पता पता हो तो बता दो। भैंस, भैंस मतलब भैंस क्या होती है, भैंस भी बॉस होती है, गाय भी दूध देती, भैंस भी दूध, तो दोनों बॉस, तो दोनों ये बॉस हुई, बॉस बुबैलिस, भैंस,
बुबैलिस, भैंस बुबैलिस क्योंकि बहुत मोटा होता है, बुबैलिस मोटा होता है समझ लो, ठीक है। बॉस बुबैलिस, बॉस बुबैलिस, बॉस इंडिकस, ठीक है, ये दोनों तो मिलते जुलते हैं। बॉस इंडिकस मतलब गाय, बॉस बुबैलिस मतलब भैंस। इसके बाद घरेलू मक्खी जो घर में उड़ती है, भिन्न 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 करती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मास्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? घरेलू मक्खी का नाम होता है मास्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मास्का डोमेस्टिका। उसको कितना भी मसक के मारो लेकिन उसके कभी लगेगा नहीं, वो उड़ जाएगी, ठीक है, इसलिए उसका नाम है मास्का डोमेस्टिका, ठीक है। अगला है, अगला का सरसों। सरसों का जो तेल होता है, आप लोग जानते हैं ना, हमारी तरफ गांव में, गांव की तरफ जब हम रहते थे, अभी भी रहते, अभी भी तो खैर बाहर है, ठीक है, जब गांव की तरफ रहते थे तो सरसों हुआ करता था, तो कभी कभी हम लोग बचपन में गए थे खेत वेत काटने वगैरह, है ना, और बहुत तो दिक्कत होती, किसानी में तो समझो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो सरसों जो होता है ना, सरसों का तेल निकाला जाता है। सरसों का नाम होता है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, ठीक है। क्या होता है? ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, ठीक है, सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद है अगला नीम। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एजाडिरेक्टा। एजाडिरेक्टा क्या होता है? एजाडिरेक्टा, एजाडिरेक्टा, याद करो मेरे साथ बोलो, नीम का वैज्ञानिक नाम एजाडिरेक्टा इंडिका, है ना, नीम का वैज्ञानिक नाम एजाडिरेक्टा। क्या होता है? एजाडिरेक्टा, एजाडिरेक्टा इंडिका, ठीक है, ये हुआ नीम का वैज्ञानिक नाम। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, ठीक है, अब बताइए इतने नाम आपको समझ में आए कि नहीं। अब ये बताइए आप इनको कभी भुला पाएंगे या नहीं, नीचे समझ में, नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारा भी सपोर्ट करते रहिए यार, वीडियो को थोड़ा सा बच्चों तक शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।